मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो तीसरा नियम है आयुर्वेद का, वो ये कि चीनी कभी मत खाओ, कफ का कोई रोग नहीं आएगा। चीनी, चीनी माने शुगर, चीनी छोड़ दो तो कफ की बीमारी नहीं आएगी। कफ की बीमारी जानते हैं क्या क्या है? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक में से खून आना, गले में टॉन। कफ की सबसे खराब बीमारी है मोटापा। तो अगर कफ से बचना है तो चीनी मत खाओ, चीनी छोड़ते ही कफ की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ, गुड़, गुड़ खाओ। गुड़ सबसे अच्छी चीज है, और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है मिश्री खाओ, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। मिश्री को देखा ना, गोल गोल जैसी बॉल जैसी आती है, वो शुद्ध है। जो बारीक दाने हैं ना, वो तो शक्कर से बनी है, वो मत खाना। और एक बूरा आता है, बूरा, बूरा समझते हैं, राजस्थान वाले समझते हैं, बूरा पीला पीला खांड से बनता है। तो बूरा खाओ, मिश्री खाओ, गुड़ खाओ। और अगर खा सकते हो, मैं माफी मांग के कह रहा हूं, शहद खाओ अगर खा सकते हो। शहद नहीं खा सकते, कोई चिंता नहीं, गुड़ खाओ, बाजार में गुड़ उपलब्ध है। और गुड़ जब लाना तो एक चीज देखना बस, कि उसका रंग कैसा। अगर ज्यादा सफेद रंग का गुड़ है तो मत लेना, वो निर्मा वॉशिंग पाउडर से बनता है। तो कौन सा गुड़ लें? काला काला, गहरे लाल रंग का, काले रंग का जो गुड़ है, जो देखने में खराब है वो खाने में अच्छा है, वो गुड़। गुड़ और चीनी का अंतर बताता हूं। आप आधा किलो खाना खा लो, आधा किलो दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब मिला के आधा किलो, आधा किलो खाने के ऊपर छोटा सा गुड़ खाओ, एक ग्राम बस। तो ये एक ग्राम गुड़ आधा किलो खाने को चार घंटे में हजम करा देता, एक ग्राम गुड़ चार घंटे में, आधा किलो खाना पूरा हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसका उल्टा सुनाता हूं, आधा किलो खाना खाओ और ऊपर से आधी चम्मच चीनी खा लो, खाना नहीं पचेगा, तो खाना सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सड़े हुए खाने में से विष बनेगा, और वो विष जिंदगी भर तकलीफ करेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, खाना खाते ही पानी नहीं पीना। कब पीना? कम से कम 1.5 घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे तक अग्नि जलती है, 1.5 घंटे के बाद वो अपने आप शांत हो जाती है। जब अग्नि शांत हो तभी पानी पीना चाहिए। पता कैसे चलेगा? खाना खाते समय ध्यान रखो, 10 बजे खाना खाया, 11:30 पे पानी पीना, 11 बजे खाया, 12:30 पे पानी पीना, सरल नियम। आप इसका पालन करो तो वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहेंगे। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।